मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। अजी ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। दौड़ रहा दिन रात सदा जग के कारण बिहारन में, दौड़ रहा दिन रात सदा जग के कारण बिहारन में। सपने समीस दिखाए मुझे, मेरे चंचल चित को मोड़ दिया। सपने समीस दिखाए मुझे, मेरे चंचल चित को मोड़ दिया। अजी ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। मनुष्य को मोह हो जाता है, किससे मोह हो जाता है? किसी से भी मोह हो सकता, बीवी से भी मोह हो सकता, माँ से भी हो सकता, बहन से भी हो सकता, दोस्त से भी, किसी से भी मोह। मोह सकल व्याधि कर मूला, ताते उपजे अति सूला। मोह जो सभी बीमारियों का जड़ है, इसलिए गुरु महाराज जी बोलते काम क्रोध माया मोह मत्सर, ये पांच चोर है। पांच चोर के मारण कारण दाम का बांध दिया। जो पांच चोर है ना हमारे अंदर में, यही हमको दुखी करता है। क्या हमारे अंदर में भजन में है परमानंद जी का, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, काम क्रोध मद मोह लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, काम क्रोध मद मोह लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, सबको दीना मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, दैत्य भाव सब दूर कराया। दैत्य भाव सब दूर कराया मतलब जो हमारे अंदर में अवगुण था सब दूर भगा दिया। दैत्य भाव सब दूर कराया, पूरन ब्रह्मा एक दर्शाया, घट घट ज्योत निहारी रे, घट घट ज्योत निहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी। उस ज्योत के बारे में रामायण में लिखा है, परम प्रकाश रूप दिन राति, ना चाहिए कुछ दिया गिर पाती, वो परम प्रकाश है। और वहाँ दिया की बत्ती की कोई जरूरत नहीं, वहाँ खुद प्रकाश ही प्रकाश है। स्वयं भगवान जो परम धाम है भगवान का, वो ज्योति स्वरूप है, जो ना तो सूर्य चंद्रमा, ना चंद्रमा की पहुँच है, ना अग्नि की तेज है, वहाँ तो स्वयं तेज ही तेज है भगवान का। और उस प्रकाश गुरु महाराज जी से जब ज्ञान लेने जाता है तो उस प्रकाश का दर्शन कराते हैं गुरु महाराज जी। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, जब उन्होंने कहा कि मैं काबिल हूँ, अगर आप ऐसा चाहते हैं कि मैं आपको एक बार देखना चाहता हूँ, भगवान से अर्जुन बोलते हैं कि भगवान मैं आपका स्वरूप एक बार देखना चाहता हूँ, अगर मैं आपको देखने का काबिल हूँ तो कृपा आप अपना स्वरूप को मुझे एक बार दिखा दीजिए। तो भगवान उनको विराट स्वरूप जो दिखाए थे अर्जुन को बताए, अर्जुन जो तुमने मेरा विराट स्वरूप देखा है, तेरे सिवा किसी ने पहले नहीं देखा था। जबकि दुर्योधन के सभा में कृष्ण गए थे और बोला बांध लो इस ग्वाले को, उस जगह पर उसने अपना विराट रूप दिखाए थे। स
सब जो उसका सिपाही सब पीछे हट गया भगवान को देख, जबकि विराट रूप कई जगह दिखाया, माँ को भी दिखाया है ना। जब यशोदा मैया बोला मुँह खोल, तू मिट्टी खाया है, जब मुँह खोला तो मुँह के अंदर पूरा संसार यशोदा मैया को दिखाई दिया, लेकिन भगवान का माया उसको भुला दिया। भगवान ने अपना जोग माया से बोला माँ 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 ने जो हमारा रूप देखा है किसी को ना बताए, मतलब उसने उसके मति को भ्रम उसकी मम्मी को याद भुला दिया ताकि किसी को बताए ना कि मैं विराट स्वरूप में परमात्मा हूँ बोलकर, ये किसी को ना बताए। अपने माँ को भी दिखा दिया था उसने, विराट मुँह खोल के दिखाया था, मुँह के अंदर ही विराट रूप दिखा दिया था। बोलिए प्रेम से सतगुरु महाराज की जय हो।